मुहर्रम त्योहार को लेकर मैहर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ तहसीलदार, थाना प्रभारी और नगर पालिका सीएमओ शामिल रहे। प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकालने की अपील की है। समारोह के दौरान आवारा पशुओं की भीड़ में घुस जाने से भगदड़ की स्थिति न बने, इसके लिए नगर पालिका ने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। वहीं समारोह में किसी भी तरह के हथियार के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसमें विशेष रूप से आप लोगों के द्वारा कुछ बातें रखी गई हैं, साफ सफाई को लेकर, बिजली की व्यवस्था को लेकर के, पेयजल की व्यवस्था को लेकर के, इन सब चीज़ों पर विचार किया गया है। वे व्यवस्थाएं जो तो उपलब्ध कराई जाएंगी और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की गई है कि शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाए, जिसका टाइम निर्धारित करके बताया गया है कि 7 बजे से 11 बजे के बीच में ये अपना त्यौहार का जो भी शुभारम्भ है उसको ख़त्म कर लेंगे और हम सब लोग जो है उनको जो उचित सुविधाएँ हैं वो देने का प्रयास करेंगे। हम लोग ताजियादार 150 साल से लमसम बन रही है और 4 पुश्तें हो गई, स्टेट के ज़माने से, राजा शाही के ज़माने से चल रही है और हम लोग भी चाहते कि सब आपसी में खुलूस मोहब्बत के साथ जुलूस मनाया जाए मुहर्रम का। और सबके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। 17 तारीख को लगभग 7 बजे के समय पे किला चौक से जुलूस चलेगा और हुसैन चौक, रहीम चौक, रंगलाल चौक होते हुए करबला जाएगा और 11:30 के लगभग जो है वहाँ पे समापन होगा और शांतिपूर्वक सब लोग त्यौहार को मनाएं। मुस्लिम समाज के मुहर्रम पर्व को लेकर अमरपाटन थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर में निकलने वाले ताजिया जुलूस के साथ अन्य आयोजनों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। शांति समिति की बैठक में मुहर्रम कमेटी के साथ सर्व समुदाय के वरिष्ठ जन, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।